गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मील प्लानिंग के अंतर्गत सैम्पल मेन्यू प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पल मेन्यू प्लानिंग से तात्पर्य है कि हम एक आदर्श रूप में एक उदाहरण स्वरूप किस प्रकार से आहार आयोजन कर सकते हैं, कुछ सामान्य चीज़ें जो कि आवश्यक रूप से अलग अलग मील टाइमिंग्स में सम्मिलित की जानी चाहिए, उसका अध्ययन आज हम इस सैम्पल मेन्यू प्लानिंग में करेंगे। तो ये एक इन जनरल मेन्यू प्लानिंग है, क्योंकि अब आपको आधारभूत भोज्य समूहों के बारे में पूरी जानकारी है, साथ ही साथ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के बारे में पूरी जानकारी है। तो अब ये हो जाता है कि जो हमारे व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की कैलोरी की, प्रोटीन की या दूसरे पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम भोज्य समूहों का की संख्या, सामग्री, नंबर, सर्विंग कितना इंक्लूड करें किसी ग्रुप से, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। और जब हम सैम्पल मेन्यू प्लानिंग का उदाहरण आज मैं आपको देने वाली हूँ, तो ये केवल एक सुझावित रूप है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे, जिससे कि हमें समझ में आए कि किसी भी व्यक्ति का जब आहार आयोजन, चाहे हम किसी व्यक्ति के लिए करें, चाहे किसी अवस्था में करें, तो वहाँ पे सुबह के नाश्ते में या डिनर में या लंच में या मिड डे मील में या जितने कोई भी और दूसरा मील हम उसको दे रहे हैं, उसमें हमें क्या देना चाहिए, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति को संपूर्ण पोषण मिल सके, एक बैलेंस डाइट बन सके। तो आज इसी की चर्चा हम करेंगे। ये केवल एक सुझावित मात्रा रूप है, मात्रा तो भिन्न हो जाएगी क्योंकि हमें आरडीए के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब की मात्रा को एडजस्ट करना पड़ता है कि किसी की कैलोरी की आवश्यकता कितनी है, प्रोटीन की कितनी है, उसी के आधार पे हम कितना कार्बोहाइड्रेट देंगे या कितना प्रोटीन युक्त दालें, दूध, अंडा या इस प्रकार की चीज़ें सम्मिलित करेंगे। तो ये हर एक केस विशेष हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष हो सकता है या अवस्था विशेष हो सकता है। आज की ये जो कक्षा है, ये मुख्य रूप से एक जनरल अवेयरनेस की कक्षा है, जिसमें कि जब आप प्लानिंग करेंगे आहार आयोजन की, तो आपको समझ में आ सके कि हमें विभिन्न मील्स में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और उसकी मात्रा हम व्यक्ति के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या मील्स होते हैं पूरे दिन में। मील्स हमारे मुख्य रूप से चार मुख्य मील्स होते हैं। पहला क्या होता है, ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। दूसरा होता है लंच, यानी दोपहर का भोजन। तीसरा हो जाता है इवनिंग स्नैक, जिसे शाम की चाय के साथ हम कुछ भी लेते हैं। चौथा हो जाता है डिनर, यानी रात्रि भोज। इसके अलावा इन बिटवीन दो से चार हम मिनी मील्स कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि आपने एक गिलास रात को सोने से पहले दूध पी लिया, या सुबह उठ के आपने मॉर्निंग टी ली, सुबह की चाय ली, या दूध लिया, या कोई फल खाया, तो उसे एक मिड मील की तरह हम गिन लेते हैं। तो मुख्य रूप से चार मुख्य मील्स हो जाती हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, तीसरा शाम का स्नैक और चौथा डिनर रात का खाना। इसके अलावा दो से चार लेके मिड मील्स हो सकती हैं। तो ये तो एक सुझावित रूप है। अब इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ज्वर, फीवर की जो कंडीशन है, या प्रेगनेंसी, गर्भावस्था की कंडीशन है, उसमें ये जो मील टाइमिंग्स है, मील पैटर्न है, ये चेंज हो जाता है। और कभी कभी 10 से 12 टाइम मील पैटर्न हो जाता है, जिसमें कि व्यक्ति को हर 2 घंटे, 2.5 घंटे में कुछ ना कुछ आहार दिया जा रहा है। आहार से तात्पर्य ये नहीं हो जाता कि हम उसको प्रॉपर रोटी, दाल, सब्जी देंगे। आहार से तात्पर्य कोई भी उसको न्यूट्रिएंट प्रदान करने के लिए कोई भी मील देंगे, और मील से तात्पर्य वो चाहे चाय के साथ 2 बिस्किट भी हो सकते हैं, वो भी एक मील के अंतर्गत आ जाएगा, या एक केला खाया व्यक्ति ने, एक केला आपने सर्विंग में दिया या एप्पल दिया, वो भी एक मील हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मील पैटर्न्स प्लान करते हैं और
उसी और ये अलग अलग अवस्थाओं में चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी सामान्य क्रियाशील व्यक्ति की बात करें, पुरुष महिला कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए ये 6 मील पैटर्न जनरली फॉलो किया जाता है, यानी 4 मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, इवनिंग स्नैक एंड डिनर एंड 2 मिनी मील्स। बच्चों के लिए अलग हो सकता है जिसमें संख्या ज़्यादा हो सकती है, मील पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो वो एक एक अवस्था जब हम पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आप देखें, सामने आपको टेबल दिख रही है जिसमें कि सुबह का नाश्ता यानी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। अब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि वो हाई प्रोटीन हो। हाई प्रोटीन से क्या तात्पर्य है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। क्या हो सकती है ऐसी चीज़? जैसे कि मूंग दाल का चीला हो सकता है, या फिर मिक्स दालों का चीला हो सकता है, दाल का पराठा हो सकता है, या कोई सब्जियों का पराठा हो सकता है, जैसे पालक का पराठा हो गया, पालक का चीला हो गया, या पालक और दाल का चीला हो गया। तो प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि वो हाई प्रोटीन हो, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चारों मील्स में हमको पूरी करनी होती है। तो जो दूध पी रहे हैं या मिल्क शेक पी रहे हैं उससे भी प्रोटीन मिल रहा है। इसके अलावा दाल की कोई सर्विंग इसमें लेंगे नाश्ता बनाने के लिए, जैसे दाल का पराठा हो गया या ओट्स लिया, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें सम्मिलित करके हम प्रोटीन का मूल्य बढ़ा सकते हैं और नाश्ते में वो पूर्ण होना चाहिए। ध्यान रखें कि हम पूरे दिन के प्रोटीन का करीब 25%, 20 से 25% नाश्ते में ले लें। तो हम क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करेंगे? सबसे पहले तो दूध है या चाय है या कॉफ़ी है, या आप लस्सी पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, कोई भी ऐसा ड्रिंक जो आप लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या इंक्लूड करनी है? मौसम के अनुसार फल या सब्जी का रस या फलों का रस। प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि साबुत फल दिया जाए जिससे कि रेशे युक्त आहार के अंतर्गत वो सम्मिलित हो जाए। अगर फ्रूट जूस देते हैं तो उसमें फाइबर कंटेंट कम हो जाता है, इसलिए वो एक सेकेंडरी थिंग होनी चाहिए। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो चबा नहीं सकता, उसको आप फल नहीं खा सकता, तो फलों का रस आपने दिया या सब्जी का रस दिया, तो वहाँ बात समझ में आती है। लेकिन जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए हम या बच्चों के लिए कर रहे हैं तो फिर वो साबुत फल यूज़ करना चाहिए। तो चीकू यूज़ हो सकता है, एप्पल, सेब, या फिर आम, आम और दूध को मैंगो शेक बना सकते हैं, या फिर बनाना केला यूज़ हो सकता है, या फिर एक कटोरी, एक स्मॉल प्लेट, वन स्मॉल प्लेट मिक्स फ्रूट्स हो सकते हैं, 2-3 तरीके के। तो ये फ्रूट की सर्विंग इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो पहला तो हमने दूध की सर्विंग इंक्लूड की, दूसरा हमने फ्रूट की, फल की सब्जी सर्विंग इंक्लूड की, तीसरा हम कर रहे हैं प्रोटीन प्लस सीरियल, जिसमें कि प्रोटीन भी हो और सीरियल भी हो। अब उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, दाल का पराठा, तो उसमें दाल जो है वो प्रोटीन दे रहा है और उसमें करीब 25 ग्राम आटा आपने यूज़ किया, तो वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हो गया। या सर्दियों में हम सामान्य तौर पे खाते हैं गोंद का लड्डू, तो वो गोंद का लड्डू है, उसमें मेवे, ड्राई फ्रूट्स जितने भी डल रहे हैं वो सब हाई प्रोटीन के सोर्स स्रोत हो गए, और जो आटा डल रहा है उसको बाइंड करने के लिए वो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। तो हमें हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करना चाहिए। फिर चौथी चीज़ आप क्या इंक्लूड करोगे? दूध या मक्खन या पनीर या मलाई, मतलब फैट का एक्सचेंज होना चाहिए। फैट यानी वसा का विनिमय होना चाहिए, वो जितना करीब 5 से 10 ग्राम, तो 1 चम्मच जो भी आपको वो नाश्ता बनाने के लिए चाहिए होगा, आपने चीला बनाया या पराठा बनाया या आपने अंकुरित चाट बनाई, भूना उसको, तो थोड़ा सा तेल, घी, मक्खन कुछ भी चाहिए, वो आपने 1 चम्मच यूज़ कर लिया। और पांचवी चीज़ है हमारी शुगर की सर्विंग। शुगर से तात्पर्य क्या है? प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि गुड़, शहद, इस प्रकार के नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, या फिर चीनी यूज़ कर रहे हैं, या हम और भी कोई मुरब्बा या ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो 1 सर्विंग उसकी यूज़ कर सकते हैं, तो 5 ग्राम वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुबह के नाश्ते में हमें एक हाई प्रोटीन
नाश्ता जिसमें कि दूध, दूध से बने पदार्थ या दाल, लेग्यूम्स वाली सर्विंग होनी चाहिए नंबर वन। नंबर टू होना चाहिए कोई भी सीजनल फ्रूट। नंबर थ्री होना चाहिए उसको बनाने के लिए थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, सीरियल। तो इस प्रकार से बदल बदल, अब उदाहरण के लिए तौर पे आपको देती हूँ जैसे क्या क्या हो सकता है। ब्राउन ब्रेड का सब्जियों वाला सैंडविच हो सकता है, मूंग की दाल का चीला हो सकता है, या फिर भरवा दाल का पराठा हो सकता है, या फिर पनीर का पराठा हो सकता है, या फिर पोहा हो सकता है जिसमें हम मूंगफली और कुछ सब्जियां, मटर वगैरह इस प्रकार की चीज़ें सम्मिलित करें, या फिर नमकीन ओट्स हो सकते हैं, जैसे पोहा बनाते हैं उसी प्रकार से नमकीन ओट्स बना लिया, या फिर क्या हो सकता है अंकुरित मूंग मोठ सब चना इस प्रकार की चाट हो सकती है, या उसको अंकुरित करके उसको भरवा पराठा बनाया जा सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम सुबह के नाश्ते में सम्मिलित कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए? उसमें सबसे पहले तो आपका अनाज की सर्विंग होगी। अब अनाज में हमें क्या करना चाहिए? गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्की है, रागी है, कई प्रकार के अनाज हैं, तो उसकी मिश्रित रोटी भी ले सकते हैं। प्रयास रहना चाहिए क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, तो गेहूं की मात्रा कम करके आटे में, जो इस प्रकार के रॉ अनाज हैं उनकी मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो वो अधिक पौष्टिक और अधिक रेशेयुक्त आहार हो जाता है। तो पहला अनाज, दूसरी सर्विंग हम क्या ले रहे हैं? दालों की। दालों के अंतर्गत कोई भी दाल हो सकती है जिसे हम अपने नॉर्मली आहार में मील में सम्मिलित करते हैं, जैसे कि अरहर की दाल हो सकती है, चना की दाल, या फिर साबुत चना, राजमा, लोबिया, मूंग, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम दाल के रूप में दोपहर में खाते हैं। तीसरी चीज़, दही की कोई सर्विंग, तो वो छाछ के रूप में हो सकती है, या रायते के रूप में हो सकती है, या पनीर के रूप में भी हो सकती है, क्योंकि दूध से ही दही बन रहा है, दूध से ही पनीर बन रहा है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। चौथा, मौसम के अनुरूप फल। अब फल ये ऑप्शन है कि इसे हम लंच में भी इंक्लूड कर सकते हैं, वरना लंच में संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करें, इसे एक मिड डे स्नैक के तौर पे बीच के खाने खाने के बीच के समय में इसे हम सम्मिलित कर लें, कोई जो भी मौसम के अनुरूप फल हो। फिर पांचवी चीज़ होगी हरी पत्तेदार सब्जी, तो कोई भी साग सम्मिलित करें, सरसों का साग, पालक का साग, आलू मेथी का साग, बथुआ का साग, कोई भी ऐसी चीज़ जो हरी पत्तेदार है उसे अपने लंच में सम्मिलित करना चाहिए। छठी चीज़ आ जाएगी, अब हरी पत्तेदार के अलावा जो अन्य सब्जियां होती हैं ना, जैसे कोई भी गोभी है, मटर है, या गाजर है, कद्दू है, इस प्रकार की कोई भी अन्य सब्जी भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेवेंथ, जो भी सैलड सलाद हम यूज़ करते हैं, सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, चुकंदर, इस प्रकार की चीज़ें हम सम्मिलित कर सकते हैं। और आठवीं चीज़ हमने ली है मक्खन, मक्खन घी तेल जो भी फैट जो आप सब्ज़ी बनाने में यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक दोपहर का सैंपल मेन्यू हो गया। अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँ आपको, तो जैसे कि क्या हो सकता है, बहुत सारी विविधता हो सकती है, जैसे कि पालक की रोटी हो गई, जिसमें पालक को हल्का सा भाप में पका के उसको पीस के आटे में गूंथ लिया, तो पालक की रोटी हो गई। काले चने की सब्जी हो गई, काला चना की सब्जी भी हो सकती है, अरहर की दाल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, गाजर का रायता हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, सब्जी हो गई, रायता हो गया तो आपकी, और साथ में गाजर का या कद्दू का रायता भी हो सकता है, या खीरे का रायता भी हो सकता है। फिर सैलेड सलाद के रूप में मिक्स वेजिटेबल्स ले ली, और एक गिलास छाछ हो गया, नमकीन छाछ। तो इस प्रकार से दोपहर का भोजन एक संपूर्ण भोजन पौष्टिक और
ज़्यादा न्यूट्रिशन देने वाला हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। मात्रा इसकी व्यक्ति की अवस्था के हिसाब से, व्यक्ति की आयु और क्रियाशीलता के हिसाब से हम निर्धारित करते हैं। जैसे दोपहर का भोजन है, बिल्कुल उसी प्रकार से रात्रि का भोजन भी होगा, लेकिन यहाँ पे वहाँ दोपहर में हमने दही दी थी तो रात में दही कर्ड वाली सर्विंग हटा देंगे और उसकी बजाय सूप की सर्विंग ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार से सीरियल अनाज का विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, तो रोटी या पराठा या जो भी मिक्स अनाज की हम रोटी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा हम इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जिसमें कि जो भी अदर वेज, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जी हम दोपहर में दे चुके हैं, तो इसके अतिरिक्त सब्ज़ी हम यहाँ पे उदाहरण आप देख रहे हो, जैसे कि मटर की हो सकती है, पत्ता गोभी की हो सकती है, फूल गोभी की हो सकती है, तो इस प्रकार से इन सब्जियों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर रात्रि के भोजन में एक और सूखी सब्जी हो सकती है, जो जिसमें फलियों की सब्जी हो सकती है, कोई भी सेम की, परवल की, इस प्रकार की सूखी सब्जी को सम्मिलित करें। सलाद दोनों ही मील्स में लेना आवश्यक है, क्योंकि हमारे भोजन में, हमारे आहार में जो सब्जियां और फल होते हैं वो हमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे शरीर में की प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक विटामिन्स और खनिज का प्रमुख स्रोत ही है ये सब्जियां और फल। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहना चाहिए सब्जियों और फलों को हम अपने आहार में सम्मिलित करें। तो इसके अलावा हम पापड़, चटनी एक अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए यानी कि कैरोटीनॉइड्स का भी, रेटिनॉल का, अगर आपने चुकंदर की चटनी बनाई तो वो कैरोटीनॉइड्स का भी हो जाएगा। तो चटनी हरे धनिए की बनाई तो उसमें रेटिनॉल ज़्यादा हो जाएगा, कैरोटीन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन, और फिर उसको बनाने के लिए, भोजन के लिए घी या मक्खन की का एक्सचेंज आपको यूज़ करना होगा, तो वो एक छठी चीज़ हो जाएगी। तो आमतौर पे डिनर में एक सूप सम्मिलित करना चाहिए, सैलड सम्मिलित करना चाहिए, इसी प्रकार से मिक्स सीरियल की रोटी हो सकती है, और सलाद ज़रूर होना चाहिए, और एक सब्ज़ी ग्रेवी वाली, और जिसमें कि हम मटर या शलजम या टमाटर, इस प्रकार की चीज़ें सम्मिलित कर लें, या मिक्स वेजिटेबल हो सकती है, और एक फली वाली कोई सूखी सब्ज़ी। तो ये अपने आप में एक संपूर्ण पौष्टिक रात्रि भोजन हो जाएगा। अब मिड मील्स क्या हो सकते हैं? मिड मील्स हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हल्के स्नैक्स के रूप में हम ले सकते हैं चीज़ें। लाइट स्नैक्स क्या हो सकते हैं? जैसे भुने हुए चने हो गए आपके, या स्प्राउट्स हो गए, स्प्राउट्स अंकुरित करा हमने, चना है या लोबिया है या मूंग है, मोट है, उसको अंकुरित किया, हल्का सा भाप में पकाया, और फिर उसमें नींबू या चाट मसाला, नमक डाल के थोड़ा सा खाया, तो वो एक पौष्टिक हाई प्रोटीन स्नैक हो जाएगा। फिर फलों को, फ्रूट चाट को इंक्लूड कर सकते हैं, फिर भुनी हुई मूंगफली है, सिंगदाना, या फिर रोस्टेड चने हैं, इस प्रकार की चीज़ें सम्मिलित कर सकते हैं। मखाने, रोस्टेड मखानों को इंक्लूड कर लीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का भी और प्रोटीन का भी। या फिर गर्मी सर्दी के हिसाब से देख के, हमारे लोकल चीज़ें कई होती हैं अलग अलग प्रांत में, प्रदेशों में, जैसे कि राजस्थान में बाजरे की राबड़ी, राब, वो एक अच्छा देसी सूप के रूप में हम कह सकते हैं। गर्मी है तो छाछ को इंक्लूड करें, और इसी प्रकार से हम रात को सोने से पहले दूध ले रहे हैं, वो भी एक मिड मील के रूप में हो जाता है। तो ये आज एक सैम्पल मेन्यू प्लान की एक उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सत्र आयोजित किया था, जिससे कि आपको पता लग जाए कि जनरली हमें अलग अलग मील्स में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करती हैं, करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि जब हम इंडिविजुअल एक एक प्लानिंग करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप आहार आयोजन करेंगे। धन्यवाद।